छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आज से शुरू होने वाले तमाम राज्योत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में करेंगे। इसमें प्रदेश की लोक संस्कृति लोक कलाओं का मंचन किया जाएगा। राज्योत्सव का थीम गरबो नवा छत्तीसगढ़ रखा गया है और इसके चलते समारोह में बाहर के किसी भी कलाकार को नहीं बुलाया गया। इससे आयोजन पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी रंग में रंगा होगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्यगत कारणों के चलते कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यक्रम में आना रद्द हो गया है। जीई रोड पर साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव का रंगारंग आगाज होगा और मंच पर बस्तर सरगुजा और मध्य क्षेत्र के लोक नृत्य लोक गाथा और अन्य कलाएं देखने को भी मिलेंगी। सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया है। राधाशोर पांडे जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जिनसे चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत वैभव, गर्वो नया छत्तीसगढ़, किसी बाहरी कलाकार को आने की अनुमति नहीं, जो होगा सब कुछ छत्तीसगढ़ी होगा। देखिए, जब से भूपेश सरकार आई है तब से ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय लोग रहे उनको तवज्जो दी जाए, क्योंकि अक्सर विवाद का विषय रहा है। विशेष करके जब भी राज्योत्सव मनाया गया उसमें जो बाहरी कलाकार है उनको खूब तवज्जो दी गई, उन्हें खूब पेमेंट दिया जाता था, लेकिन स्थानीय कलाकारों की हमेशा उपेक्षा होती रही है। तो अब कोशिश यही है कि सरकार जो है स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दे, उन्हें मौका दे, अवसर दे और उन्हें प्रोत्साहित करे। तो इसी प्रयास के चलते इस बार राज्योत्सव में किसी भी बाहर के कलाकारों को आमंत्रित नहीं किया गया है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि अगर बात की जाए 15 साल तो छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो रमन सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। अब सत्ता परिवर्तन हुआ 2018 में और ये नई सरकार वक्त है बदलाव का नारा देके आई और वो बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कितना अलग आज के इस राज्योत्सव को माना जाए? देखिए, कई मायनों में बेहद खास है। जैसे पहला तो यही है कि कोई भी बाहरी कलाकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत जो निचले स्तर के कलाकार हैं उनको भी प्रवेश उनको आमंत्रित किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो बड़े कलाकार हैं उनको नहीं बुलाया गया है, बल्कि जो लोक रंग के कलाकार हैं, जो छोटे छोटे कलाकार हैं जिनको बड़े मंच नहीं मिलते हैं, उन कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। तो उस मायने में खास है। दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आधारित राज्योत्सव होगा, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। तीसरी बात यह है कि गर्वो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, यानी कि एक नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात जो सरकार कर रही है और उसके क्या क्या जो है योजनाएं हो सकती है, उसका क्रियान्वयन किस किस रूप में हो सकता है, उस आधार पर इसको रखा गया है। चौथी बात यह है कि इस बार इस कार्यक्रम में जो यहाँ की लोक धुन है जिससे कि कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, यानी कि मोहरी वादन के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा, जो कि कभी नहीं हुआ है, पहली बार होगा। पांचवी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्य गीत है अरपा पैरी के धार, उसके साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी कई खास बातें हैं जो कि पहली बार हो रहा है, मतलब अब तक जितने भी राज्योत्सव हुए उसमें कभी इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई है। तो इस मायने में ये बेहद खास है, यानी कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आधारित ये राज्योत्सव होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि अभी राज्योत्सव कुछ समय से नवा रायपुर में होने लगा था, जो कि राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे आने जाने में लोगों को बेहद परेशानी होती थी और यही वजह है कि फिर से वापस उनको राजधानी रायपुर के शहर के बीच में साइंस कॉलेज मैदान है वहां पे रखा गया है, जिससे कि कोई भी जो है आ जा सकता है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आवागमन को देखते हुए एक अच्छा निर्णय ये भी लिया गया है जी। सरकार की कोशिश ये है कि जो आम जनता है उनको और करीब सरकार के लाया जा सके, उन्हें बताया जा सके, दिखाया जा सके कि हमारी ये जो है योजनाएं क्या क्या है, हम उसको किस रूप में क्रियान्वित करना चाहते हैं और क्यों हम जो है ये बात कह रहे हैं कि गर्वो नवा छत्तीसगढ़,
यानी कि उस नवा छत्तीसगढ़ में आप सबके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है ये बताने की कोशिश होगी। निगाहें इस बात पर है रश कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के इस मंच से राज्योत्सव के मंच से भूपेश सरकार आज क्या कोई बड़ी घोषणा भी करने वाले हैं क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद अब आगाज करने जा रहे हैं, सोनिया गांधी का आना रद्द हुआ है, तो बतौर मुख्य अतिथि भूपेश बघेल इस मंच से क्या कुछ सौगातें देंगे, क्योंकि अक्सर राज्योत्सव के मौके पर कोई ना कोई नई सौगात जो है छत्तीसगढ़ वासियों को जरूर मिलती रही है। तो चुनाव भी होने वाले, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, आचार संहिता भी लग जाएगा कुछ दिनों बाद, तो उससे पहले कोशिश तो होगी कि जनता को कोई लुभावनी वादा जनता के लिए की जाए, उन्हें रिझाया जाए और उनके लिए कोई विशेष सौगात भी लेकर आए। आज चूंकि कैबिनेट की बैठक होगी तो उससे पहले उस पर भी एक चर्चा होगी, लेकिन राज्योत्सव पे निगाहें तो सबकी है कि इस बार जो राज्योत्सव होने जा रहा है वो आखिर संस्कृति पर आधारित, बाकी में संस्कृति पर आधारित ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव है, और क्योंकि युवा अवस्था का ये छत्तीसगढ़ है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं इसके बारे में आप हमें पल पल जानकारी भी देंगे। वैभव, हम चाहेंगे आप बने रहिए, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, और इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक और खबर से मुखातिब करा देते हैं। तो रायपुर में